आज इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर मैं पूरी दुनिया को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान वो रियासत है जिसमें बसने वाली तमाम अकलियतें गैर महफूज हैं और अपने तमाम तर बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम है। ये बहुत बड़ा जुल्म है कि मुसलमानों के पास अपने वोट के जरिए अपने नुमाइंदे के इंतखाब का हक हो, लेकिन अकलियतों से वो हक जबरन अक्सरियत की ताकत से छीन लिया जाए। तो फिर ये पूरी दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान में अकलियतें जो हैं वो खुशहाल और महफूज हैं। मैं बताना चाहता हूं तमाम दुनिया को, ना पाकिस्तान में अकलियतें खुशहाल हैं और ना महफूज हैं। ना हमारी बेटियां महफूज हैं, ना हमारे घर महफूज हैं। यहां तक के दिन दहाड़े गौ जात्री में दिन दहाड़े बा असर लोगों ने अक्सरियत की ताकत से वहां पर हुकूमत के फंड से बनाया गया जो जंज घर था, कम्युनिटी सेंटर था, उसे बलडोज कर दिया। उनकी गलियों में लगे हुए सोलंग जो हैं वो उखाड़ कर ले गए। लेकिन अफसोस कि इस रियासत ने आज तक किसी एक मुल्जम को कटहरे में लाकर खड़ा नहीं किया। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? अगर कश्मीरी जुल्म सह रहे हैं तो पाकिस्तान में बसने वाली अकलियतें जो हैं ये भी खुशहाल नहीं, ये भी जुल्म जबर का शिकार हैं। आप पाउंडेड मजदूरों को देखें, आप भट्टा मजदूरों को की तरफ नजर करें, आप खेत मजदूरों की तरफ नजर करें। हकूमत ने 1000 ईंट बनाने के इवज 1850 रुपए मुआवजा मुकर्रर किया। आज पूरे पंजाब भर में लोगों को 900 रुपया 800 रुपया फी हजार ईंट बनाने का अदा किया जा रहा है, उसमें भी 200 से 300 रुपया कटौती की जा रही है। ये जुल्म नहीं, ये जबर नहीं तो और क्या है? जब तक पाकिस्तान में से मजहबी जबर, जागीरदारों का जबर, सरमायादारों का जबर खत्म ना हुआ, ना पाकिस्तान में अकलियतें खुशहाल हो सकती हैं, ना पाउंडर मजदूर। इसलिए आज मैं तमाम अकलियतों से, वो मसीह हैं, वो हिंदू हैं, वो सिख हैं, तमाम भट्टा मजदूरों से, तमाम पाउंडर मजदूरों से, वो खेत मजदूर हैं, वो क्लीन मजदूर हैं, वो भट्टा मजदूर हैं, सब मुत्तहिद हो जाएं, क्योंकि आप मुत्तहिद होकर अपने हकूक छीन सकते हैं। क्योंकि रियासत बिल्कुल बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। मुझे याद है कि जब इन्होंने मुझे 5 साल के लिए कैद किया तो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि रियासत अकलियतों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही। मौलवियों से डरना, मैं ऐलानिया तौर पर कहता हूं कि रियासत जो किसी तबके से डरे, रियासत जो किसी ग्रोह से डरे, उसे कौन तहफ्फुज़ देगा? जरूरी है कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, देहातों में आबाद मसीहों को जिनको उनके घरों से निकाल कर उनके घर बार छीन लिए गए हैं, उन्हें उनके घरों में आबाद किया जाए। जबरन हज़्ब तब्दीली का जो बिल मुस्तर्द किया गया है उसे अवानों में दोबारा लाया जाए और उसे पास करके अकलियतों, मसीहों, हिंदुओं और सिखों की बेटियों को तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। मैं समझता हूं कि ये जुल्म कश्मीर से भी बड़ा जुल्म है कि हमारे अपने
जाकर दूसरे मुल्कों में ये गवाहियां दे रहे हैं कि पाकिस्तान में अकलियतें महफूज हैं, खुशहाल हैं। मैं कहता हूं शर्म करो, शर्म करो। शेम, शेम, शेम। तुम जिन लोगों के नाम पर अमानों में बैठे हो, तुम लोग जिन गरीब पसमांदा लोगों के नाम पर एमपीए और एमएनए बने हुए हो, उनके हकूक की बात करने की बजाय पादरियों को साथ लेकर जाते हो और गैर मुल्कों में जाकर इस बात का ढंडोरा पीटते हो अपने आकाओं को खुश करने के लिए कि पाकिस्तान में अकलियतें खुशहाल हैं। आपको बताना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया कि अकलियतें और बाउंडेड मजदूर सब मुतहद होंगे। बोलो मुतहद होंगे, ताकि हम सब मिलकर अपने हकूक जो है वो हासिल कर सके। शुक्रिया। आज 10 दिसंबर को इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर रवादारी तहरीक ने लाहौर प्रेस क्लब के सामने इस एहतजाजी मुजाहरे का इनकाद किया है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने एहतजाजी रैली जो है वो चेरिंग क्रॉस से प्रेस क्लब लाहौर तक स्टार्ट की है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उन पर जो है रियासत जो है वो अपना रद्द अमल दे। हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मज़हब के जो केसेस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ साथ मिसयूज़ ऑफ ब्लास्फेमी लॉज जो है उसके खिलाफ भी हम जो है वो यहाँ पर मुजाहिरा कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पर पाकिस्तान में जो है अकलियतों की सियासी शमूलियत के हवाले से बात कर रहे हैं। उनके लिए जो सिलेक्शन सिस्टम यहाँ पर राइज है उस पर भी हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए जो है वो इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, ना कि सिलेक्शन सिस्टम। तो क्योंकि आज इंसानी हकूक का आलमी दिन है, इसी तरह हम पाकिस्तान में भी इस पर जो है वो बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के मिनॉरिटीज़, पाकिस्तान की अकलीतें इंसानी हकूक़ का दिन मना रही हैं। इस सिलसिले में बहुत सारी तंजीमें, बहुत सारे लोग जो कि इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं और इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, आज सड़कों पर हैं, आज प्रेस क्लब के सामने हैं, आज एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में अकलीतों खसूसन मसीहियों पर होने वाले जो जुल्म हैं, जो उनके साथ मजहबी इंतहा पसंदी बरती जाती है, उस हवाले से आज बहुत सारे मसीही सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान में होने वाले इस एहतजाज का एक मसीही होने के नाते हिस्सा हूं और मुतालबा करता हूं रियासत पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान में जो करारदादे हैं, जो इंटरनेशनल करारदादे हैं इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो जितने भी लोग जो हैं मुतासर हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बाउंडर लेबर है जो कि जबरी मशक्क़त के हवाले से लोगों पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। मैं ख़ास तौर पर आज उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं जिन्होंने आज लोगों के हकूक़ के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए अपना वक्त निकाला है और ख़ास तौर पर रवादारी तहरीक के चेयरमैन जनाब सैमसन सलामत साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनके साथ जो बहुत सारे लोग आज सड़कों पर हैं एहतजाज कर रहे हैं जबरी मशक्क़त के हवाले से, जबरी तब्दीली मज़हब के हवाले से और उसके बाद ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से, बच्चों के हकूक़ के हवाले से, आज जो उनकी कोशिशें हैं, जो उनकी तमाम मेहनत है आज वो नज़र आ रही है। आज मैं दुआ करता हूँ अपने तमाम दोस्तों के लिए भी कि वो जो कि इंसानी हकूक़ के लिए काम करते हैं, इंसानी हकूक़ के लिए कोशिश करते हैं। आज हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हम
पाकिस्तान की रियासत से प्यार करते हैं, पाकिस्तान के अदारों से प्यार करते हैं और हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमारा हक है कि हमें वो तमाम हकूक जो कि मुसलमानों को हासिल हैं, वो तमाम हकूक जो कि यहाँ बसने वाली जो मजहबी मेजॉरिटी है उनको हासिल हैं, वो अकलीतों को भी हासिल हों। ख़ास तौर पर मैं दुआ करना चाहता हूँ उन तमाम पॉलिसी साज अदारों के लिए, लोगों के लिए जो कि अकलीतों के लिए जो पॉलिसीज़ बनती हैं उन पे वो काम करते हैं। आज हम उनके लिए दुआ गो भी हैं और हम पॉजिटिवली इस चीज़ का प्रचार करना चाहते हैं कि आप खुदारा जो बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक के जो चार्टर हैं उनको सामने रखते हुए मसीहों के साथ जो उनका हक है वो उनको दें। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी आज इंसानी हकूक के हवाले से, आज जितनी भी अकलियतें पाकिस्तान में बसने वाली है इंसानी हकूक के हवाले से आज प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं, तो हम मदीना रियासत के अलम्बरदारों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जितनी भी अकलियतें पाकिस्तान में है ना कि उनको सेलेक्ट मेंबरान दिए जाएं, बल्कि उनके जो नुमाइंदे हैं वो सिलेक्शन करके उनके ऊपर मसल्लत किए जाएं ताकि वो अपने इलाका की आवाज़, अपनी कौम की आवाज़ बन सकें और इन लोगों के जो मसले मसाइल हैं वो हल हो सके। बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान मसीहा पार्टी का फाउंडर चेयर हूँ, पाकिस्तान मसीहा पार्टी रजिस्टर्ड है, इसका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इसका इंतखाबी निशान पातशाह। तो आज हम इधर आया इंसानी हकूक के दिन के सिलसिले में प्रेस क्लब में हम बताना चाहते हैं लोगों को कि हम गवर्नमेंट को हम बताना चाहते हैं, वज़ीर आज़म को कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम सिलेक्शन नहीं, हमारी हल्का बंदियाँ की जाएँ और हमें हमारी हल्का बंदियाँ की जाएँ और हमें इलेक्शन दिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारा एक ज़िले में एक MP हो, दो ज़िला में हमारा एक MNA और हर डिवीज़न में हमारा एक सेंटर मुकर्र किया जाए। तो हम चाह रहे हैं कि हमें हमारा इलेक्शन जो है ना वो वापस हमें दिया जाए ताकि लोग जो है ना ये 226 आर्टिकल के ख़िलाफ़ जो सिलेक्शन सिस्टम है ना हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये हमें नहीं चाहिए, हम भी पाकिस्तानी हैं तो हमें पाकिस्तानी होने के नाते हमारा हक है, हमारे बौजदाद ने कीमती जानों का नजराना देकर पाकिस्तान को मार जे वजूद में आया। तो हम चाहते हैं कि जो जमा तफरीक है हमारे साथ जो की जा रही है, जो हमें द्वार के साथ लगाया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जाए और हमें हमारा इलेक्शन हमें दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं तहरीक रवादारी से हूँ और आज हम लोग यहाँ इस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं कि ये एक आलमी दिन है जो एक गरीब लोग और अपाहिज मज़लूम लोग जो हैं उनके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, जो बच्चियाँ यतीम हैं या जो जिनके जो मसले मसाइल हैं उनके लिए हम ये यहाँ पे आज खड़े हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम लोग मिलके इस मसले का हल निकालें कि जिन पे जो जिस किस्म का भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म नहीं होना चाहिए। और इस आलमी दिन में हमारा इकट्ठा होना मुझे ये एक खुशी भी है कि ये सब यहाँ पे हम खड़े कि हम उन लोगों के लिए लड़ रहे हैं जो इस वक्त इस काबिल नहीं है, उनके लिए हम कोशिश भी कर रहे हैं और उनकी मदद करने की भी कोशिश करेंगे और लिहाजा हम करते रहेंगे। और ये तहरीक रवादारी नहीं है, ये इत्तेहाद एतमाद और मोहब्बत और खलूस का एक जज्बे के साथ ये तहरीक बनी हुई है कि जो दूसरों का साथ देती है समाजी कामों में, ये सबसे आगे है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अरफान गिल है, नारवाल तो पिंड तरपाल जो कि 40 खानदान पिंड चो कढ दिता गया और उन्होंने सारा समान लुट के लै गए ने, ठीक है ना। उन्होंने खिलाफ मैं वजीर अला पंजाब से, DIG पंजाब से, DPO नारवाल से अपील करना कि फौरी तौर इस बात का नोटिस लें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जी, पाकिस्तान म्युनिसिपैलिटी का बतौर तर्जमान मैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत पंजाब से मुतालबा करता हूँ कि गाँव ददौड़े और गाँव तरपाल के जो मसीह खानदान हैं जिनको गाँव बदर कर दिया गया है, जिनका सामान लूट लिया गया है और हुकूमत पंजाब की तरफ से पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल की तरफ से अभी तक उनका मुकदमा ना दर्ज होना, ये हुकूमत वक्त के लिए एक सवालिया निशान है। हम अपील करते हैं हुकूमत पंजाब से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि खुदारा
दौड़े गांव और नारोवाल के अंदर जो अकलियतों के ऊपर जुल्म और सितम किया जा रहा है उसका नोटिस लिया जाए, उनका मुकदमा दर्ज करके इन गरीब मसीहों का समान इनको वापस दिलवाया जाए। जनाब असी अगर पुलिस थाने जाइए तो उत्थे भी साड़ी कोई आवाज़ नहीं सुनता, जे किसे पासे तुर जाने तो सर कोई गल नहीं सुनता। चार दस पंद्रह भी चाली घर ने जिन्हां दे विचों समान लागे ने ते कोई समान नहीं, साड़ी कोई गल नहीं सुन दिया किसे पासे भी। जिथे जाने कहिंदे ने जाओ ते आओ ते जाओ ते आओ, एहो ही गलबात सानू सुनाउंदे ने सर, होर कोई गल नहीं सानू सुनाउंदे। कोई कसूर नहीं जनाब साडा, अगर तालिबान और दहशतगर्दों को पाकिस्तान से भगाना है तो पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा बहुत बुलंद लगाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अलकायदा ना तालिबान, पाकिस्तान अलकायदा ना तालिबान, पाकिस्तान सब साथियों इनका सहूलतकार है, गद्दार है। मजहब के नाम पर गुंडागर्दी बंद करो, मजहब के नाम पर मारामारी बंद करो, मजहब के नाम पर खून बहाना बंद करो, एक फतवे देने 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 बंद करो, ये खून बहाना बंद करो, ये खून बहाना बंद करो, ये मारामारी बंद करो, ये मारामारी बंद करो, ये मारामारी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये गुंडागर्दी बंद करो, ये मारामारी बंद करो, ये मारामारी बंद करो, ये खून बहाना बंद करो। ये आप सब हमारी बहनें खास तौर पर बेटियां, ये नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के आज रवादारी तहरीक की कॉल पर यहाँ प्रेस क्लब के सामने जमा हुए हैं। मैं आप सबको सल्यूट करना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा रवादारी तहरीक का साथ देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 10 दिसंबर इंसानी हकूक का आलमी दिन है और पूरी दुनिया में ये दिन इंसान अपने हक के लिए, हकूक के लिए मनाते हैं, ताकि हम रियासत से, समाज से, जो हकूमत है, जो इस रियासत के जिम्मेदार हैं, उनको ये बता सके कि हमें यहाँ पर क्या तकलीफ है, हमें कौन से हकूक नहीं मिल रहे हैं और कौन से हकूक हमें मिलने चाहिए। ये सारा कुछ बताने के लिए आज हम यहाँ पर प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं। मैं आप सबका एक मर्तबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो दिन आज हम मना रहे हैं उसका तकाजा ये है कि हर इंसान, चाहे उसका कोई भी मजहब है, कोई भी अकीदा है, वो औरत है, वो मर्द है, वो ख्वाजा सरा है, वो सिंधी है, वो पंजाबी है, सराइकी बोलने वाला है, वो हमारी कोई खवातीन है, सबके साथ
बराबरी की बुनियाद पर सलूक होना चाहिए और सबका एहतराम होना चाहिए। ये आज के दिन का सबसे बड़ा तकाजा है। आज चूंकि हमारे साथ बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें और खवातीन शामिल हैं, इसलिए मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क का, हमारी रियासत का, हमारे समाज का जो सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारे मुल्क की जो आधी आबादी है, अगर हमारे मुल्क की आबादी 22 करोड़ है तो इसमें 11 करोड़ आबादी खवातीन की है, हमारी बच्चियों की है, हमारी बहनों और बेटियों की आधी आबादी है। लेकिन इस समाज में खवातीन को, लड़कियों को, बच्चियों को बराबर का इंसान नहीं समझा जाता। लिहाजा आज हमारा सबसे पहले मुतालबा और तकाजा ये होना चाहिए कि हमारी बहनों, बेटियों और खवातीन के साथ बराबरी की बुनियाद पर सलूक होना चाहिए और उनके हकूक उतने ही अहम हैं, उतने ही बराबर हैं जितने हकूक मर्दों के हैं। तो आज सबसे ज्यादा हमें खवातीन के हकूक की बात करनी है। पाकिस्तान को बने खवातीन और हजरात, हमारे प्यारे पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए हैं और बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने वादा किया था कि पाकिस्तान में बसने वाले हर शहरी के साथ बराबरी की बुनियाद पर सलूक किया जाएगा और मजहब की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर किसी के साथ तफरीक नहीं की जाएगी। इसलिए आज के दिन हम रियासत पाकिस्तान को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि हमें ना तालिबान का पाकिस्तान चाहिए, ना अलकायदा का पाकिस्तान चाहिए, या इंतहा पसंदों का पाकिस्तान चाहिए। हमें किसका पाकिस्तान चाहिए? कायदे आजम का पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उनके ये चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज का जो पाकिस्तान है वो जिना का पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि जिना के पाकिस्तान में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं हो सकती। हम पिछले कई सालों से ये जदोजहद कर रहे थे कि हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को खत्म करना है, चाहे वो अलकायदा के दहशतगर्द हैं, वो तालिबान दहशतगर्द हैं, और ये वही दहशतगर्द है। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं जिन्होंने 80,000 मासूम पाकिस्तानियों की जानें गंवाई हैं, उनकी जानें जाया की गई हैं, उनको मारा इन्होंने दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो दहशतगर्द, वो कातिल जिनका ठिकाना जेलें होना चाहिए, उनके साथ यहां मुजाकरात किए गए, उनको आम माफी दी गई और उनको जेलों से रहा किया गया, उनको जेलों से भगाया गया। तो आज हम एक मर्तबा फिर अपनी तशवीश का इजहार करने आए हैं, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मर्तबा फिर तालिबान ने सर उठाया है और हम रियासत को बताने आए हैं कि मुजरमों के साथ, कातिलों के साथ मुजाकरात नहीं हुआ करते, उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक होता है और जिनको उन्होंने कत्ल किया होता है उनको इंसाफ देना होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो कैप्टन मुबीन जो यहां माल रोड पर शहीद हुआ उसको इंसाफ मिला, ना आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को इंसाफ मिला, और ना वो जो ईस्टर के दिन गुलशन पार्क इकबाल लाहौर में मार दिए गए, ना उनको इंसाफ मिला, ना जो कलंदर की दरगाह पर दहशतगर्दी करके मारे गए ना उनको इंसाफ मिला, ना कोयटा के वकीलों को मिला इंसाफ, ना कोयटा के हजारा कम्युनिटी को मिला इंसाफ। तो आज हम याद करवाने आए हैं कि जिन्ना के पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों, इंतहा पसंदों की कोई गुंजाइश नहीं है,
और रवादारी तहरीक की जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान से ये मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी खत्म नहीं होती। पाकिस्तान जिंदाबाद, 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 रवादारी तहरीक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये दहशत गर्दी बंद करो, ये गुंडा गर्दी बंद करो, ये गुंडा गर्दी बंद करो। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की वजह से हर पाकिस्तानी मुतासर हुआ है, चाहे उसका ताल्लुक अक्सरियत के साथ है या उसका ताल्लुक अकलियत के साथ है। लेकिन ये जो इंतहा पसंदाना ज़हनियत है इसको हमारे मुआशरे में इतना ज्यादा भर दिया गया है कि हर शहरी इससे मुतासर है, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान के वो शहरी जिनका ताल्लुक मजहबी अकलियतों के साथ है उनका जीना दिन ब दिन जो है इस मुल्क में हद से बदतर होता जा रहा है। मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि यहां पर तोहीने मजहब की आड़ में, तोहीने मजहब के कवानीन के झूठे इल्जाम लगाकर ना सिर्फ जोसेफ कॉलोनी को जलाया गया बल्कि पिछले साल श्रीलंकन शहरी प्रियंथा कुमारा को कत्ल करके सियालकोट में दरिंदों ने, इन जालिमों ने झूठे इल्जाम के बाद उसकी लाश को जला दिया था। ये जुनूनियत है, ये जुनूनियत, ये इंतहा पसंदी और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। लिहाजा आज हमारा पहला मुतालबा ये है कि ये जो तोहीने मजहब के कवानीन का गलत इस्तेमाल है इसको रोकने के लिए रियासत पाकिस्तान को अमली इकदाम करने होंगे। जुबानी जमाखट से काम नहीं चलेगा। और कई सालों से इस मुल्क की मजहबी अकलियतें चीखती चिल्लाती आई है कि हमारी कमसिन जवान बच्चियों को जबरी तौर पर अगवा करके उनका मजहब तब्दील किया जाता है, बहन बनाने के लिए नहीं, सिर्फ शादी करने के लिए, निकाह करने के लिए, हवस के लिए। तो अकलियतें मुतालबा करती रही हैं कि इसको रोकने के लिए कानून साजी की जाए, लेकिन जब भी अकलियतों के लिए कोई कानून आता है तो पार्लियामेंट संजीदा नजर नहीं आती, वो वहां पर रद्द हो जाता है। तो आज जहां हम इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के इकदाम के मुतालबा कर रहे हैं, वहां हम ये भी बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अकलियतें खुश नहीं है। रियासत पाकिस्तान को, जिम्मेदारों को उनकी चीखों को सुनना चाहिए, उनकी तकलीफ को सुनना चाहिए और ये सुनना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। और आखिर में इस ऐलान के साथ कि कुछ भी हो, रवादारी तहरीक, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी और ये जो इंतहा पसंद है इनके खात्मे के लिए अपनी जदोजहद जारी रहेगी रखेगी। और वो हमारे समाज के तबके, चाहे वो हमारी ख्वातीन और बच्चियां बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, हमारे भट्टा मजदूर हैं, मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, इन सब के लिए, इन सब के हकूक की जदोजहद के लिए हमारी जदोजहद जारी रहेगी। आप सबका एक मर्तबा फिर शुक्रिया। इस इत्तेजाज के अंदर इज्तमा में सिर्फ लाहौर के लोग नहीं है, रवादारी तहरीक आपकी जो तहरीक है इसकी मरकजी क़यादत आज यहाँ पर मौजूद है। और मरकजी क़यादत में से सिंध से जो हमारे दोस्त आए हैं उनको बुलाने से पहले मेरी गुजारिश होगी कि हमारे जो पंजाब के सदर हैं राणा मोहम्मद इसराइल, जो गुजरांवाला से तशरीफ लाए हैं, वो दो मिनट में आज के मौके पर आपको अपना पैगाम देंगे, राणा मोहम्मद इसराइल। और उसके बाद जो है सिंध से हमारे सखर से आए हुए मेहमान दीदार अहमद मीरानी, वो असल में मेहमान नहीं है, वो रवादारी तहरीक के वाइस चेयरमैन है, वो अपना खिताब करेंगे। और बड़ा खिताब जो है ना
वो तो आपको पता है, वो जामी चांडियो साहब का ही होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये जो नारे और स्लोगन होते हैं, ये पैगाम होते हैं समझने के लिए, खुद के लिए भी और जिनको सुनाया जा रहा है उनके समझने के लिए भी। तो ये जो एक नारा है हमारा कि ये मारो मारी बंद करो, तो ये कौन सी मारो मारी है? ये एक आम समाज के घरों में जो मारो मारी हो रही है वो भी मारो मारी है, और अगर कोई पाकिस्तान के आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी को कोई नौजवान, कोई शख्स, कोई मर्द औरत जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहे और उसे गैरत के नाम पर इसलिए सिर्फ कत्ल कर दिया जाए कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है या चाहती है, तो ये मारो मारी जो है ये आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आईने पाकिस्तान बुनियादी हक देता है कि किसी की जान ली नहीं जा सकती, और ये गैरत के नाम पर या गुंडागर्दी के नाम पर या मजहब के नाम पर या इंतहा पसंदी के नाम पर या इस वजह से कि उसका मजहब मुझसे मुख्तलिफ है, उसकी सियासी सोच मुझसे मुख्तलिफ है और मैं उसकी जान ले लूं, आईने पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देता। आज ये रवादारी तहरीक इसलिए है, आज रैली इसलिए है इंसानी हकूक के आलमी दिन पर, कि इंसानी हकूक जो पाकिस्तान के आईन ने दिए हैं वो हर शख्स को मिलने चाहिए। बहुत शुक्रिया। अकलियतें कई सालों से चीख रही हैं कि हमारी ये जो बच्चियों का जबरी अगवा है, जबरी निकाह है, जबरी तब्दीली मजहब है, उसको रोकने के लिए कानून साजी की जाए, लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि इदारों और हुक्मरानों के सर पर कोई जू नहीं रेंग रही, अकलियतों की बात नहीं सुनेगी। तो इंसानी हकूक के आलमी दिन के मौका पर हम अकलियतों का मुकदमा यहाँ कर पर लेके आए हैं, जो इस वक्त डर और खौफ की कैफियत में है। रियासत पाकिस्तान को उनकी बात सुननी चाहिए और उनके हकूक के हसूल के लिए अमली इकदाम करने की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रवादारी के प्लेटफार्म से प्रेस क्लब के सामने जमा हुए। आज हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि आज इंसानी हकूक का जो आलमी दिन है, इस दिन के ऊपर हम अपना एहतजाज कार कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मजहबी अकलियत के साथ जो जुल्म हो रहा है, तालिबान जो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें पुरअमन पाकिस्तान चाहिए, हमें जना का पाकिस्तान चाहिए और पाकिस्तान में अमन कायम होना चाहिए, जिसके अंदर हमारे तीन मुतालबे हैं। हमारा पहला मुतालबा है जबरी तब्दीली मजहब की, जिसके अंदर जो हमारे जो शरपसंद असानर हमारी बहनों को उठाते हैं उनसे शादी करने के लिए, उनके साथ जबरी मजहब निकाह करते हैं। और हमारा दूसरा मुतालबा है कि पाकिस्तान में जो सिलेक्शन सिस्टम है, जो नुमाइंदा हमारे वोट से मुंतखब नहीं हुआ वो बगैर वोटों के असम्बली में आता है, इसलिए हम ईवान को और अपने दारों को बताना चाहते हैं कि हमारे मुतालबों को माना जाए।